तलवाड़ा डेभ में शासकीय स्कूल के उन्नयन को लेकर 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों के द्वारा जारी धरना प्रदर्शन को समर्थित करते हुए स्थानीय रहवासियों और स्थानीय लोगों ने एक पैदल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है और एक सुर में स्कूल के उन्नयन की मांग रखी गई है। वहीं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के बीच भाजपा के पूर्व सांसद सुभाष पटेल भी पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री, दो सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा कर बताया। वहीं अपने वक्तव्य के दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो हमें गाँव में घुसने मत देना। कल तक कुछ भी रिजल्ट आ जाएगा, पर मेरा निवेदन है कि कल के बाद आप नहीं बैठे। हम आपकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर अगर हम नहीं करवा पाएंगे तो आपको तलवाड़ा में घुसने मत देना। इधर धरने पर बैठे स्थानीय लोगों द्वारा जिले के कैबिनेट मंत्री, दो सांसद और प्रतिनिधियों को स्कूल के उन्नयन करने की मांग का मामला आने के बावजूद स्कूल का उन्नयन नहीं होने को टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया, जबकि क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल के उन्नयन को आसानी से होने की जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। सतीश परिहार की रिपोर्ट। शिक्षा के लिए जो आंदोलन हो रहा है, आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, आप इस आंदोलन में आपकी कितनी भूमिका रहेगी? देखिए, तलवाड़ा डेव और आसपास के 11 गांव पंचायतों के जितने भी हमारे नागरिक बंधु स्कूल की मांग कर रहे हैं वो बहुत ही जायज़ मांग है और हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। हम भी हमारी सरकार से, हमारे नेताओं से, हमारे सांसदों से, हमारे मंत्री जी से और हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष से बातचीत कर चुके हैं। बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम यहाँ पर आने वाले हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से स्कूल की मांग की जा रही है और बहुत ज़रूरी, बड़ा शहर है, बड़ा गाँव है और यहाँ पर हायर सेकेंडरी होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे गाँव में सरकार ने बहुत सारी स्कूलें खोली है। तलवाड़ा डैम में लंबे समय से मामला अटका पड़ा था। हमारे गांव के सामान्य कार्यकर्ताओं ने ये बीड़ा उठाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कि हमारे गांव के क्षेत्र की लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हम यहां पर ही हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रारंभ करवाएं। इसके लिए धरने का आयोजन किया गया। धरने पे बैठे आज हम उनसे बातचीत करने आए कि हमारे नेताओं के द्वारा बहुत जल्द हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसी के निमित्त आज हम यहाँ पर आए। आपका पूर्व संसदीय क्षेत्र रह चुका है, उसके बाद भी आज आपको आंदोलन में बैठना पड़ रहा है? मैं आज आंदोलन में बैठने नहीं, आंदोलन में उनको बताने आया हूं कि हमारे सरकार के द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। मेरे कार्यकाल में भी हमने मांग की थी और यहां पर प्रयास किए थे और हमने भेजा भी था प्रस्ताव, पर यहां पर एक दूसरे कुछ कारणों से इसे मामला पटवा नहीं कैसे क्या अटक गया था और अभी तक स्कूल का निर्माण हुआ नहीं। अभी बहुत जल्द इस गाँव में हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण होने वाला है। आंदोलन बैनर पर उग्र आंदोलन का जो बात कही गई है, इसी के बात को लेकर मैं आज धरना आंदोलन साथियों के पास आया हूं कि हमको उग्र आंदोलन नहीं करना है, भूख हड़ताल नहीं करना है। हम आपके साथ में हैं, सरकार से बातचीत कर बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। उस दौरान भी इतने प्रयास होने के बावजूद भी अगर परमिशन नहीं मिल पाई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी सरकार का निर्णय होगा, आश्वासन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलेगा, 3 महीने बाद की, 1 महीने बाद की, 15 दिन बाद की, 2 दिन बाद, जैसी भी स्थिति में हमारे समाज के गांव के नागरिकों से हम बातचीत करके धरना स्थगित करने का प्रयास करेंगे।